मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने नोट बैन पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की दलील थी कि नोट बैन से आतंकवाद खत्म होगा, लेकिन इसके बाद भी हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं। ग्वालियर पुलिस ने यूपी के एक युवक को 8 लाख रुपए की नकदी के साथ पकड़ा है। मंगलवार की रात करीब 8 बजे महाराजबाड़ा इलाके में कोतवाली पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार युवक को जब पुलिस ने चेक किया तो उसके पास मौजूद बैग में बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई। दरअसल पुलिस को आरोपी युवक की गतिविधि पर शक हुआ। शक होने पर पुलिस ने युवक का बैग चेक किया। मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर से शुरू हो रही नमामि देवी नर्मदा यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम शिवराज सिंह ने बुधवार को भोपाल में नमामि देवी नर्मदा कार्यक्रम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नर्मदा जी में लगातार जल की धारा बहती रहे, इसके लिए जरूरी है कि दोनों किनारों पर व्यापक वृक्षारोपण नर्मदा जी के होना चाहिए दोनों तटों पर। मध्य प्रदेश विधानसभा की शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने किसानों की खुदकुशी की घटनाओं को और समर्थन मूल्य को लेकर हंगामा किया। सीएम ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार किसानों के साथ है और समर्थन मूल्य से कम भाव में फसल नहीं बिकने दी जाएगी। धार के जोबड़ के पास रेत से भरा तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक में सवार ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों और जेसीबी मशीन की मदद से दोनों के शव बाहर निकाले। राजस्थान की आरएस 2013 की परीक्षा में भरतपुर के अनिल कुमार सिंघल ने टॉप किया है। जयपुर के यदु भारद्वाज दूसरे स्थान पर रहे। निर्माणा की देवयानी तीसरे स्थान पर रही है। पहले 2 अभ्यर्थी सामान्य जबकि देवयानी ओबीसी वर्ग से है। कोटा में एक लड़की ने नहर में कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की। लड़की के पीछे उसके प्रेमी ने भी नहर में छलांग लगा दी। वहां मौजूद लोगों ने लड़के को तो बचा लिया, लेकिन लड़की का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही लड़के और लड़की की सगाई हुई थी। नारकोटिक्स विभाग ने कल पुष्कर में 1.5 किलो चरस के साथ एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक आरोपी पुष्कर का ही होटल संचालक है। ये दोनों मिलकर नशे का कारोबार कर रहे थे। रतनाड़ केंद्रीय कारा में एक गार्ड को जूतों में अफीम ले जाते पकड़ा गया। रतनाड़ पुलिस ने गार्ड को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि गार्ड सुरेश अपने सैंडल में छिपाकर 91 ग्राम अफील जेल के अंदर ले जा रहा था। उदयपुर के 14 वर्ष के एक छात्र यश जैन ने 5 रुपए के सिक्कों का अद्भुत कलेक्शन कर 6 विश्व रिकॉर्ड कायम किए। यश ने 1992 में शुरू हुए पहले सिक्के से लेकर 2016 तक के 86 प्रकार के विभिन्न मिंट और सन के सिक्के जमा किए। इन सिक्कों में मॉस्को से जारी हुए सिक्के के अलावा कॉपर, निकल, स्टील और ब्रॉन्ज धातु के सिक्के शामिल हैं।